आसनसोल में जीटी रोड के किनारे महावीर स्थान मंदिर परिसर में आज महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा ने एक प्रेस मीट की। इस मौके पर उनके साथ बालकिशन मुरारका और डॉक्टर जेके सिंह उपस्थित थे। इस दौरान अरुण शर्मा ने कहा कि आगामी 6 तारीख से आसनसोल गौशाला महामंडलेश्वर आत्म प्रकाश जी महाराज के द्वारा भागवत पाठ का आयोजन किया जाएगा। आसनसोल गौशाला में 6 तारीख से श्री आत्मा प्रकाश जी महाराज का भागवत बालकृष्ण जी मुरारका के मुरारका आयोजन किए हैं। 5 तारीख को सुबह में 9 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जो राहले नोती हुई गौशाला जाएगी। आत्म प्रकाश जी महाराज 6 तारीख से 12 तारीख तक भागवत होगा। 13 तारीख को हम लोगों का भंडारा और हवन है। इस उपलक्ष्य में आज सबको बुलाया गया है। ये भागवत पितरों की शांति के लिए किया गया है। बालकृष्ण जी मुरारका का परिवार, इसमें तन मन धन से ये इनकी अपनी भागवत करा, ये अपना खुद की भागवत करा रहे हैं। ये गया जाएंगे अपने पितरों का उद्धार कर रहे, भागवत सुन करके पितरों का कार्य कर रहे गया जाएंगे। हम लोगों का गया में 17 दिन का श्राद्ध होता है। हम लोग को गया में मारवाड़ी लोग का जो श्राद्ध है वो 17 दिन का पिंडदान होता है, तो 17 दिन गया में रह के एक तीर्थ करके फिर यहाँ आएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को, आसनसोल के नगरवासियों को हमारा हाथ जोड़कर अपील है कि शोभा यात्रा में और भागवत में सभी माताएं बहनें भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर पुण्य का लाभ उठाएं। या तो प्रकाश जी महाराज की 16वीं भागवत आसनसोल में है, उनके कम से कम 5000 शिष्य आसनसोल में है और हर साल एक भागवत उनकी होती है, यहाँ पर कोई ना कोई कराता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब जब भागवत होती तब तब भीड़ बढ़ता जाता है, नहीं तो एक आदमी का एक दिन भागवत हो जाए दोबारा आदमी सुनना नहीं चाहता है, भीड़ नहीं होती है, जुटाना पड़ता है। यहाँ तो खाली उनका पोस्टर लग जाता है, उसी से उनके नाम से ही इतनी भीड़ हो जाती है। महावीर स्थान में भी उनका बहुत योगदान है। इस भागवत में महावीर स्थान सेवा समिति का जितना सहयोग हो सकता है हम लोगों ने सहयोग किया है और हम लोग आशा करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी भागवत खूब बढ़िया से होगी। आप लोगों से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि भागवत का कवरेज जितना कर सके थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। मंदिर में आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।